नाउ जो है जायदाद मिले 1/2, 1/3 और 1/9, 1/9 हॉटस्पॉट चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 1/2, 1/3 और 1/9, 1/2, 1/3 और 1/9। तो पहला बेटा ने कहा कि चलो भाई जायदाद को बांटते हैं, तो 17 ऊंट को जब आधा करने गए तो 8 और आधा। फिर दूसरे बेटे ने कहा मेरा एक हिस्सा तो उनको मिलना चाहिए, कितना? तो वो सोच रहे थे कैसे इसको विभाजित किया जाएगा। तो ये करने में बहुत दिक्कत हुआ, कैसे हम ऊंट को काट सकते हैं, है ना? अगर उसे काट देंगे तो बच जाएगा कितना? कितना बचेगा? 17 में से 8.5 कट गया तो 9 और आधा रह जाएगा, है ना? नहीं, 9 और आधा रह जाएगा। हाँ, फिर उसमें से 6 जो है दूसरे को जाएगा और 2 और आधा, 1 और आधा जो है किसको मिलेगा? छोटे को मिलेगा। पर ये ठीक नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। क्या कर रहा है? रीसेट कर रहे क्या? हाँ, न्यू लिंक, न्यू लिंक डाल। एक मिनट, न्यू लिंक डालने से पहले चालू मत करो। तो फिर क्या क्या कल पहला वाला भाग को भी रिकॉर्ड करके अपलोड करो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप अपलोड करो। कल का भी कैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड करना, ठीक है ना? चालू कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो बड़ा समस्या वहाँ पे हो गया और सभी लोग परेशान, ये कैसे बंटवारा होगा, कैसे बंटवारा होगा। तो ये बात को है सरपंच के पास लेकर गया, पंचायत के पास लेकर गया, पंचायत भी परेशान। तो सेठ जी का एक दोस्त था, तो सेठ जी का दोस्त जो था वो सोचा कि बहुत समय तक मैंने अपने दोस्त को नहीं मिला, तो सेठ जी के घर पे ऊँट पे आरूढ़ होकर आया। और जैसे ही पहुँचा वहाँ पे देखा तो सेठ जी का क्या बोलते हैं देहांत हो गया। तो देखा यहाँ पे पंचायत बैठी है, सरपंच बैठे हैं। तो सेठ जी वहाँ से उतरा, देखा मेरा दोस्त के बेटे ये लोग का ये हाल है। तो जैसे ही वहाँ पर गए तो बोला समस्या यह है कि 17 ऊँट है, इसको 1/2, 1/3, 1/9 करना है, समस्या बहुत जटिल है। तो दोस्त ने कहा मेरा मेरा मित्र, उसका जायदाद का बंटवारा, तो मैं समस्या का समाधान करता हूँ। और तुरंत उन्होंने क्या किया, मेरे मिल में एक और ऊँट दे देता हूँ। अभी 17 ऊँट के साथ एक ऊँट जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 18।
सही है, मेरा गणित उतना ठीक नहीं है, आप लोग बोलिए कितना? 18, 18, ठीक है। अभी 18 का 1/2 कितना हो जाता है बताइए, 18 का 1/2 कितना होता है? 18 का 1/2 आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कितना होता है, मैं देखूंगा। 18 का 1/2 9 होता है ना? अच्छा, तो 9 उन्होंने कहा कि पहले बेटे को जाएगा जायदाद। हाँ अच्छा, 18 का 1/3 कितना होगा? तो 1/3, तो 18 का 1/3 कितना होगा? 6। हाँ ठीक बताया, तो 6 जो है दूसरे बेटे को जाएगा। अब 18 का 1/9 कितना होगा? 18 का 1/9 2 होगा, है ना? तो 2 तीसरे बेटे को गया, तो 9 गया पहले बेटे को, 6 गया दूसरे बेटे को, और 2 गया तीसरे को। 9, 6 और 2 जोड़ने से कितना होगा? 17, और रह गया बाकी का 1, सेठ जी वापस लेकर गया। देखिए वो एक जो था जब तक नहीं आया तब तक समस्या समस्या रहा, और वो एक जैसे आ गया समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार से वो एक जो है भगवान जब तक हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक समस्या ही समस्या हमारे जीवन में रहेगा, और जैसे ही वो भगवान एक आ जाएंगे तो हमारा समस्या के सारे समाधान हो जाएगा, और भगवान अपने यहाँ पर और हम अपने यहाँ पर। तो जो जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं आता है हम अपूर्णता का अनुभव करेंगे, समस्या का अनुभव करते रहेंगे, और भगवान जैसे हमारे जीवन में आ जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देहूती माता का यही अब रियलाइजेशन है, यही उनका क्या है साक्षात्कार है, यही उनका अंदर से यह अनुभव होता है कि मैंने भगवान को अभी तक अपने जीवन में नहीं जोड़ा, इसलिए मैं अपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ, समस्या का अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ। देहूती माता फिर अपना विलाप कथा नहीं व्यता जो है वो अपने पतिदेव से कहती है, और कहती है पतिदेव आप जा रहे हो तो कोई बात नहीं जाइए, पर मेरा एक बात जरूर सुनकर जाइए। अतिम सा प्रव्रज्यन्तं तदालक्षोयसति बही समायामाना विक्लवेन हृदयेन विदुयता। वो मुस्कुराते हुए अपने पतिदेव को देख रही है कि वो जाने के लिए तैयार हो गया, और कर्दमुनि भी अपने जगह पे सही है, वो मुस्कुराने लगी और बाहर से पर अंदर से वो थोड़ी से विचलित हो गए, भयभीत हो गए। उनका भय का कारण जरूर है, क्योंकि जब इतना सुंदर इतना अच्छा पति जीवन साथी मिला है और नौ नौ कन्या साथ में है और पतिदेव जा रहे हैं, तो एक डर रहेगा कि वो अब जीवन में अकेली रह जाएगी, अब ना तो उनका पिता रहा ना तो उनके पुत्र हुए, और वो अकेली पड़ जाएगी। ये एक समस्या है, पति के बगैर स्त्री थोड़ा अकेले पड़ जाती है ना? हर स्त्री के लिए पति जो एक आभूषण जैसा होता है, एक बल जैसा होता है, एक सुरक्षा का एक प्रतीक होता है, और वो चले जाते हैं तो वो थोड़ा सा आधा अपने आप को मानने लग जाते हैं, और पति नहीं होने से एक प्रकार का असुरक्षा का अनुभव करते हैं, और इसलिए स्त्री को हमेशा बचपन में पिता के अधीन होना चाहिए, विवाह होने के बाद पति के अधीन, और पति जब संन्यास लेते हैं तो बड़े पुत्र के अधीन होना चाहिए। नहीं तो समाज में बहुत सारे लंपट लोग होते हैं जो कि स्त्रियों के ऊपर बुरी नज़र डालकर उन्हें तंग करने का प्रयास करेंगे। ये लंपट लोग बहुत ही बुरी नज़रों से ऐसे स्त्रियों को देखते हैं जो अकेले होते हैं और उनका शोषण करने का प्रयास करते हैं, तो वो थोड़ी सी भयभीत थी। और दूसरा नौ नौ कन्या
इनका विवाह भी करना है, ये भी कोई आसान बात नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी वो थोड़ी सी भय का अनुभव कर रही थी, भय का अनुभव कर रही थी। और आगे जो है वो अपना पतिदेव से, पतिदेव उनका पति का कर्दमनि का जब वर्णन आता है तो कहते हैं कि पतिम सा प्रव रज जिस यंताम, वो तैयार हो गए जाने के लिए। उनका वादा था कि जैसे ही संतान उत्पन्न होंगे तो मैं हरे कृष्णा करके करते भजन करने चला जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, वानप्रस्थ हो गया अभी संन्यास लूंगा। और उनका भी कहना सही है, घर में कब तक रहना है, आखिर में एक दिन हमको सब कुछ छोड़ना है। शरीर छूटे तो सब कुछ छूटे, शरीर छूटने से पहले अगर हम छोड़ देते हैं तो हंसते हंसते हम सबको त्याग सकते हैं, पर जब जब शरीर छूटता है और हम किसी को नहीं छोड़ते हैं तो यमदूत जब लेकर जाते हैं, रो रो के बोलते हैं कि मत लो मत लो, रोते हैं, पर उससे अच्छा यह है कि हम हंसते हंसते सब कुछ त्याग दें और चले, क्योंकि त्यागना तो हमको एक दिन सब कुछ है। और शास्त्र में कि ये बात है, शास्त्र में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी अनेक जगह पे लिखे हैं, पंचम व्रजत पंचम उर्दम पंचम वनम गच्छेत, उर्दम पंचम यानी कि 50 के ऊपर उम्र हो गया तो घर छोड़ के वन में चला जाना चाहिए। और वो सही कर रहे थे, सीधा संन्यास ले लेंगे, पर देवती माता जो है, वैसे भी देखा जाए इस संसार में जितना भी संबंध है जो शरीर के साथ हुआ है वो कुछ समय के लिए भगवान जीवात्मा को देते हैं, ये हमारी माँ है, ये पिताजी हैं, और ये बहन है, ये भाई है, ये दोस्त है, ये सगे है, संबंधी है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, पोते हैं, पोती हैं, इस प्रकार से ये सब संबंध थोड़े समय के लिए देते हैं। और भगवान इसलिए देते हैं कि वो देखते हैं कि जीव इसमें फंसता है कि सबसे रहते हुए भगवान को देखकर भगवान का भजन करके वापस बचता है। हाँ, वो भगवत धाम वापस आ रहा है कि वहीं फंस जाता है, पर जीव जो है ये जो क्षणिक संबंध है उसी को सब कुछ मान लेता है, वहीं फंस जाता है। और भगवान देखते रहते हैं, भगवान जो कि उनके शाश्वत संबंध है उसको जीव पूरी तरह से भूल जाता है और वो फंस जाता है माया के चुंगुल में, अच्छी तरह से फंस जाता है। इस क्षणिक संबंध को ही जो है, क्षणभंगुर संबंध को ही वह सब कुछ मानने लग जाता है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, जबकि ये सब को एक दिन छोड़ना है, या तो वो हमें छोड़ेंगे या हम उनको छोड़ेंगे, पर छोड़ना सब जरूर है। पर इस क्षणिक संबंध को भगवान का मानकर भगवान की सेवा में सबको लगाना, ये बात को भूलकर वो जीव जो है फंस जाता है, बचाने का उपाय भूल जाता है भगवान का भक्ति नहीं करने के कारण। तो कर्दमनि उनमें से नहीं है, वो तुरंत कहा कि इससे पहले कि सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, मृत्यु आएगा, मैं सबको वॉलेंटरली छोड़कर संन्यास ले लेता हूँ। तो संन्यास लेने के, पर देहूती माता का अप्रूवल नहीं है, उनका अप्रूवल नहीं है, वो बोलते हैं कि संन्यास के बारे में क्या कहूँ आपसे, तो अब कहने लगेगी। कहने से पहले कुछ लक्षण का वर्णन आता है भागवत में 50वें नंबर श्लोक में, लिखंती अधोमुखी भूमि पदन कमणि श्रिया वाच ललितम वाचनम निरुद्याश्रुकालं सने। चार बातें मैत्र ऋषि जो हैं बता रहे हैं, मानो कि मैत्र ऋषि ये दृश्य को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, देवती को देख रहे हैं, देवती माता को देख रहे हैं, पर देवती माता को देखकर उनके अंग प्रति अंग का वर्णन करते हैं। इतने गहराई से देवती माता का वर्णन क्यों कर रहे हैं, जैसे हमने कल बताया यह बात जो है भगवान से संबंधित है, क्योंकि यह है देवती माता है, वो
वो भगवान की माँ है, इसलिए भगवान की माँ है करके भगवान की माँ का बड़े आदर से वो दर्शन करे, ना कि एक लौकिक जगत का कवि या लेखक एक स्त्री का वर्णन करता है, वैसा नहीं, कामुकता बस नहीं। ये इस पवित्र भाव से कि ये जो है भगवान की माँ है और उनकी माँ जो है अब क्या करें, लिकंती अधोमुखी भूमि, वो जो है वो अपने मुख को नीचे करके भूमि में, उस विमान में जो भूमि था, हाँ भूमि में मरकट मणि का बना हुआ जो स्पर्श था, वहाँ पर वो नीचे देख रही है और लिख रही है। कैसे लिख रहे, पदनक मणि श्रिया, अपने पदनक से लिख रहे हैं, पाँव से ऐसे ऐसे घसीट रही है, पाँव के जो नख है उससे जमीन को घसीट रही है। स्त्रियाँ जब विचलित हो जाते हैं तो खास करके ऐसे करते हैं और उनके मुख नीचे हैं और ऐसे कर रही है और नख का वर्णन करते बोलते मणि जैसे वो चमक रही है। और वाच ललितम वचनम, और बहुत ही मधुर स्वर से वो बोलने लगी। और चौथा वर्णन करते हैं निरुद्ध आश्रय कालम सने, उनकी आंखों से आंसू आने ही वाला था पर निरुद्ध रोक लिया। ऐसे नहीं कि स्त्रियों को एक भगवान ने स्पेशल गुण दिया है, जहां चाहे जब चाहे वो आंखों से आंसू निकाल सकते हैं, बस उन्होंने हाथ मुंह में क्या रख दिया तो तुरंत आंसू आ जाएगा। जैसे मार्केट में घूम रही है और अपनी बहन को देख लिया है, माँ को देख लिया, गले लगा के दोनों रोने लग जाएगी जहाँ तहाँ, या कोई बात हम मनाने जा रहे हैं और बात उस स्त्री का कोई मान नहीं रहा है तो तुरंत आंखों से आंसू। ते उनका एक हथियार है ना, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो रोने लगी, रोना उनको आ ही रहा था पर उन्होंने रोक दिया। क्या लिख रहे हैं मैत्री ऋषि, क्या बोले, निरुद्ध आश्रय कालम सने, तुरंत उन्होंने रोक दिया, तुरंत उन्हें रोक दिया। इस प्रकार से रोकने के बाद जो है वो कुछ बातें कहते हैं। वो पहला कारण बताती है कि आप मत जाइए, देहूत्री वाच, देवती माता कर रही है, सर्वम तद भगवान मह्यम, आप बहुत ही महान हो और आपने अभी तक मुझे जो भी दिया मैं उससे बहुत प्रसन्न, सर्वम तद भगवान मह्यम उपावाह प्रतिश्रुतम, सुंदर सुंदर भोग आपने दिया और मेरे मन के जितने भी भौतिक इच्छाएं वो आपने पूरा किया, इस बात पर मैं कोई कंप्लेन नहीं, मेरा कोई आपके प्रति जो है एक प्रकार से मैं रूठी हूँ, मैं ये मानती हूँ। सर्वम तद भगवान मयम, आपने जितना मुझे सुख दिया है पति के रूप में इस संसार में, उतना सुख कोई और पति किसी पत्नी को दिया होगा, इस बात को मैं कहती हूँ। फिर भी मेरा एक निवेदन है, अतापि मे प्रपन्निया, मैं जो हूँ आपके शरणागत हूँ, मैं जो हूँ आपके पत्नी हूँ, मैं आप पे समर्पित हूँ। इसलिए आपने मुझे सब कुछ जो है दिया है, भौतिक सुख जितना देना है वो दे दिया, पर मेरा ये प्रस्ताव है आपने मुझे आध्यात्मिक सुख नहीं दिया, आपने मुझे अभयम नहीं दिया, अभयम दा तुम हरसी, आपने मुझे अभयता का जो गुण है, आध्यात्मिक सुख जो है आपने नहीं दिया। मेरा भय का कारण क्या है, मेरा भय का कारण यह है, आप अगर चले जाओगे इन नौ नौ कन्याओं को पाल पोस कर बड़ा कौन करे, दूसरा इन नौ कन्याओं का विवाह कौन करे, और तीसरा ये नौ कन्या विवाहित होकर जाएंगी, पक्का जाएंगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक कन्या जो है
महान है, अरुंधति, इनका वर्णन आएगा, अनुशया, ये सब का वर्णन आएगा, है ना, इन सब का सुंदर वर्णन आएगा। वशिष्ठ मुनि की धर्मपत्नी बनेगी, फिर महान अत्रि ऋषि का कन्या बनेगी, पत्नी बनेगी। पर ये सब चले जाने के बाद तीसरा कारण बता दी, मेरा कौन होगा, इनडायरेक्टली बताए मेरा मुझे कौन देखेगा, यानी कि आप को चाहिए कि मुझे एक पुत्र प्रदान करें, मैं अकेले पड़ जाऊंगा, कन्या सब अपने अपने घर चले जाएंगे। पहला दुख बताते हैं कि इन कन्याओं का विवाह मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, एक एक बेटी का बिटिया का शादी करने के लिए माता पिता को कितना घूमना पड़ता है, और अभी पिता चला गया तो माता अकेले अकेले कहाँ पे माता फोड़ेगी, है ना। देखिए लड़के वाले तो केवल अकड़ कर बैठेंगे, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, पर लड़की वालों को क्या क्या करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कन्यादान, कन्यादान महादान, कन्यादान महादान। जैसे प्रभुपाद जी की माँ प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी के पिताजी से कहा कि अगर उनकी बड़ी बहन थी और छोटी बहन थी, और वो बड़ी बहन जो है 10 साल की हो गई, तब तब प्रभुपाद जी की माँ जो है रोने लगी, बोला इसका इनका विवाह अभी नहीं करोगे तो मैं गंगा में जाके डुबकी लगा के आत्महत्या करूँगी, तो उनका विवाह हुआ। फिर उनकी दूसरी बहन का जब विवाह हो रहा था वो 11 साल की हो गई, तभी भी जगन्नाथ मिश्रा प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्रा तो चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले, जब 12 साल के हो गए बोला कि अब मैं विष पीऊँगी और गंगा में जाके डुबकी लगाऊंगी, मैं जा रही करके बोले, तब उनका विवाह का प्रस्ताव के लिए भाग दौड़ किए और उनका भी विवाह किए। और कहते हैं कि विवाह जब लड़कियों का होता है तो इतना कुछ देखना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है, कि कहते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है कि जो माता पिता होते हैं वो यहाँ से वहाँ ठोकर खाते हैं, कहते हैं कि चप्पल पे चप्पल घिस घिस के जो है सड़ जाता है, इतना उनको मेहनत करना पड़ता है। लड़का वाले अकड़ के बोलते हैं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पर लड़कियों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर उनकी पत्रिका देखना पड़ता है, फिर ये सब देख के विचार करके ये मेरी बेटी उनके घर जाने वाली है तो वो खुश रहेगी नहीं रहेगी, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सब जो है जिम्मेवारी तो है, पर ये सब अकेला देहूती कैसे कर पाएगी, ये एक था। और दूसरा वो कहते कि अथापि मैं प्रपन्न, मैं आपके प्रति शरणागत हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, और पति का कर्तव्य है कि पत्नी अपने शरणागत को जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बचाए, अर्थात भगवान का भक्त बनाए। आपने भौतिक सुख मुझे दिया पर आपने आध्यात्मिक सुख मुझे नहीं दिया, आपने मुझे भक्त नहीं बनाया, आपने मुझे भगवान का भक्ति नहीं दिलाया, आपने मुझे जो है आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दिया, आपने मुझे अभयम यानी कि भगवान जो है अभय उनसे जोड़ा नहीं, इसलिए मैं मेरे अंदर जो भय अभी तक बना हुआ है, आप मुझे अभय बनाओ, आप मुझे जो है भगवान के भक्त बनाओ, और तब जाके आप पति का पूरा कर्तव्य पालन करोगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि व्यक्ति को तब तक गुरु नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माँ नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, कब तक, जब तक वो अपने पे आधारित अपने पर निर्भर को जन्म मृत्यु के चक्कर से ना बचाए या उनको भक्त ना बनाए। अर्थात हर व्यक्ति को जो बाप बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, पति बनना चाहता है, माँ बनना चाहता है, उनको पहला क्या बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, और अपने पे निर्भर जो भी है उनको भक्त बनाना चाहिए, तब उनको अभय मिलेगा।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, हमारे पे जो निर्भर है उनको कैसे भक्त बना पाएंगे। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे हम अभय नहीं होंगे, और जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे हम अभय नहीं बनेंगे, हमारे पे निर्भर जो है उनको भी कैसे अभय प्रदान कर पाएंगे। इसलिए जो है गोविंद दास गोस्वामी एक सुंदर भजन गाते हैं, कहते हैं कि भजोरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरना रविंदर। भगवान से जब जुड़ जाएंगे तो हम अभय बन जाएंगे। भजहुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरना रविंदर। भजहुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरना रविंदर। बजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण गोविंद रे। बजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण गोविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ये भव सिंधु रे। तरह ये भव सिंधु रे। जब तक हम वो अभय भगवान से हम नहीं जुड़ते हैं हमारा मन अभय नहीं बनता है, और जब तक हम भगवान के साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक हम इस जो है भवसागर को पार नहीं कर सकते, तर नहीं सकते हैं। और कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे सरल विधि है और विधि है भगवान का नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार सुमरी सुमरी नर उत्तरी पार, भगवान का नाम लेते लेते हम पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भक्त आपने नहीं बनाया। और दूसरा कारण बताते हैं कि ब्राह्मणा दुहित्र बेस्तुभ्यम विमृगया पतया समा कश्चित् स्यान्मे विशोकया त्वयि प्रवर्जिते वनम्। दूसरा कारण बताएं, हे मेरे प्रिय ब्राह्मण देव, पुत्रियों का आपके कन्याओं का विवाह हो जाएगा, आपके कन्याओं के लिए सुंदर सुंदर वर ढूंढना होगा, आपको अच्छे अच्छे वर ढूंढना पड़ेगा। जब वो विवाहित हो जाएंगे और वो अपने अपने घर चले जाएंगे, मायके को छोड़कर वो अपने अपने पतिदेव के साथ चले जाएंगे, तब मैं अकेला पड़ जाऊंगी। कश्चित सन में भी शोकया, तब मेरा जो है देखभाल विशोक, शोक यानी कि मैं शोक में पड़ जाऊंगी, तो मुझे विशोक यानी कि इस शोक से कौन मुक्त करेगा। त्वयि मे प्रवर्जिति, वो भी चले जाएंगे आप भी चले जाएंगे, पीछे मेरे देखभाल करने वाला कौन रह जाएगा। तो बताते कि अब असली कारण बताए, इनडायरेक्टली बताती है कि दूसरा कारण, मुझे एक पुत्र चाहिए, आप पुत्र अभी तक मुझे नहीं दिए, आपने मुझे पुत्र अभी तक नहीं दिए। क्योंकि जब पति संन्यास ले लेते हैं तब पुत्र बड़े हो जाते हैं, तो पुत्र जो है उसी प्रकार से अपनी माँ को सांत्वना दे सकता है। पति का ही एक स्वरूप पुत्र माना जाता है। जब कोई स्त्री पत्नी हो जाती है और उनके पति संन्यास लेते हैं, तो उनका पुत्र उनके पति के रूप में वहाँ पर उनको मन के सांत्वना देने के लिए उपस्थित रहते हैं। इसे पवित्र दृष्टि से देखा जाता है, शास्त्र में ही बताया जाता है। जिस प्रकार से पति अपने पत्नी को मार्गदर्शन देते हैं कि आप भगवान का भजन और अच्छी तरह से करो और सुखी रहो, इसी प्रकार से पुत्र भी
वो भगवत भक्ति में अग्रसर हो जाता है और अपनी माँ को भी सांत्वना देता है। इस परिस्थिति में आपको भगवान का भजन और तीव्रता से करना है और शांत रहना है। तो इस प्रकार से वो कहते कि आप मुझे एक इनडायरेक्टली एक बताते कि आप कृपा करके मुझे एक पुत्र दीजिए। वास्तव में स्त्री जब अकेले पड़ जाती है, समाज के जो लंपट लोग हैं उनके ऊपर बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। जैसे कि एक 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 शिकार होता है, उसके ऊपर जो पक्षी होता है बाज, उस नज़र डालते हैं और जैसे ही वो शिकार जो है थोड़ा सा भी अलर्ट नहीं रहता, थोड़ा सा भी वो कमज़ोर पड़ जाता है तो तुरंत हमला करके ले जाता है। इसी प्रकार से लंपट लोग जो है स्त्रियों के ऊपर खूब नज़र डालते हैं, बुरे नज़र डालते हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए, अपने काबू में लाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए स्त्री को बचपन में पति के अधीन, पिता के अधीन, फिर विवाह के बाद पति के अधीन, और पति संन्यास लेते हैं या छोड़ देते हैं तो पुत्र के अधीन होना चाहिए। अब देवती माता कहते हैं कि बहुत अच्छा, आप एक एक वो कहते हैं कि अगर मान लो कि आपका शोक को दूर करना है तो मैं इतना बड़ा विमान दिया है, इसमें आप खूब इंद्रतृप्ति और करो और इंद्रतृप्ति करो और अपने मन को प्रसन्न रखो। संसार के लोग अपने मन को प्रसन्न कैसे रखते हैं? इंद्रतृप्ति के द्वारा, टेलीविजन देखकर, उसमें कोई हास्य खेल आ जाता है, हास्य का प्रदर्शन होता है तो हंसते हैं, कभी मनोरंजन आता है तो कभी अलग अलग प्रकार का मारा मारी या संगीत आते, तो अपने आप को शोक से दूर रखते हैं, है ना। आप भी इंद्र तृप्ति करके अपने शोक को दूर करो। तब देवती माता कहती है कि मैंने बहुत इंद्र तृप्ति कर लिया है, जितना इंद्र तृप्ति संसार के कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती, उतना इंद्र तृप्ति आपने मुझे दिला दिया। देवता लोग को भी जो इंद्र तृप्ति दुर्लभ था वो सुलभ कर दिया, इतना इंद्र तृप्ति मैंने किया है। तो देवती माता कहती ब्राह्मण द्वित्री भी तुभ्यम एतावतालं कालेना व्यतिक्रंतेना मे प्रभु इंद्र अर्थ प्रसंगेना परित्यक्ता पर आत्मना। आप भोग के लिए बोल रहे हो तो कहते हैं कि मैंने खूब भोग लिया, नहीं अब और नहीं चाहिए। मैंने अपना समय जो है इस इंद्र तृप्ति में गवा लिया और इंद्र तृप्ति के द्वारा मेरा मन जो है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ और मेरे अंदर का जो भय है उसे दूर नहीं कर पाया। इस संसार का जितना भी भौतिक सुख है वो भौतिक सुख जो है आज तक किसी जीवात्मा को सुख दिलाया नहीं, ना वर्तमान में भौतिक कार्य से कोई सुखी होते हुए दिख रहे हैं, या भविष्य में ऐसा होगा कि कोई जीवात्मा भौतिक कार्य से सुख हो पाएगा? नहीं नहीं नहीं, केवल भगवान का भक्ति से सुखी होते हुए देखे हैं हम, और वर्तमान में भी भगवान से जुड़कर जीवात्मा सुखी होते हुए दिख रहे हैं, और भविष्य में भी अगर सुख का कोई मार्ग है वह भगवान से के भक्ति के माध्यम से ही। तो इस प्रकार से वो कहते कि मैंने बहुत समय जो है इंद्र तृप्ति में बिता दिया, पर ये इंद्र तृप्ति से थोड़ा बहुत मनोरंजन हुआ, पर मेरे अंदर का जो भय है वो गया नहीं, ना पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी। व्यक्ति समय जो ऐसा निकल गया और ये प्रभु आपने इतना सुंदर समय इतना भोग दिया, मैं खूब भोग ली हूँ पर मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। समय इस पूरे प्रयास में क्या हुआ, इस पूरे प्रयास में समय जो है मेरा जीवन का बहुत चला गया और मुझे कुछ मिला नहीं। भोग को क्या भोगेंगे हम, एक संत लिखते हैं, भोग को क्या भोगेंगे हम, भोग ही हमें भोग लेगा।
शराब को क्या हम पिएंगे, हम शराब ही हमें पी लेगा। टाइम को क्या, समय को क्या हम पास करेंगे, समय ही हमें पास कर लेगा। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, चना वाला आते बोलते हैं टाइम पास, तो हम लोग बोलते हैं अरे चना वाला, एक एक चना कहते हैं टाइम पास। टाइम को क्या पास करेंगे, टाइम ही हमें पास कर देगा। एक दिन आएगा समय रहेगा पर हम नहीं रहेंगे, समय ही हमें पास कर देगा। हम सोचते हैं हम टाइम पास कर, है किसी का हिम्मत जो टाइम को पास करेगा? भगवान को छोड़ के कोई और नहीं, भगवान के भक्त को छोड़कर कोई नहीं जो समय को अपने बस पे ला सकता है। समय हमें निकाल देगा। लोग शराबी जो है शुरू में शराब पीते, बोलते मैं शराब पीता हूँ। मैं शराब पीता है वो शराबी, पर बाद में शराब जो है वो शराबी को पी लेता है, उसका लीवर वीवर फाड़ देता है, उसको पूरी तरह से मार देता है ना। हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, रसगुल्ला पे रसगुल्ला खा रहे हैं, है ना, इडली पे इडली खा रहे हैं, डोसा पे डोसा खा रहे हैं, जलेबी पे जलेबी खा रहे हैं, गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन। हम सोच रहे हैं हम भोग रहे हैं, पर वास्तव में बाद में पता लगेगा जब डायबिटीज आएगा कौन किसको भोग रहे हैं। भोग को क्या हम भोगेंगे, भोग ही हमें भोग लेगा। हम सोचे हम गुलाब जामुन खा रहे हैं गुलाब जामुन, पर ऐसा डायबिटीज आएगा वो गुलाब जामुन ही हमारे हमें भोग लेगा। तो इस संसार में आज तक कोई जीवात्मा पूरी तरह से भोग कर नहीं पाया, भोग के संतुष्ट हो नहीं पाया। आज तक कोई जीवात्मा टाइम को पास कर नहीं पाया, टाइम ही उसको पास कर दिया। तो इस प्रकार से वो बोल रहे कि मैं इंद्र तृप्ति के द्वारा कुछ पाई नहीं, और इंद्र तृप्ति के साथ प्रभु मेरा केवल समय जो है व्यर्थ चला गया। इंद्र अर्थ प्रसंगेना, इंद्र के भोग में केवल समय जो है व्यर्थ गया। इंद्र तृप्ति में क्या हुआ, समय बढ़ गया। इंद्र तृप्ति का अर्थ होता है आंखों से सुंदर रूप को देखना, कानों से सुंदर गीत सुनना, जीवा से अच्छे अच्छे चटपटा चीज देखना, और नाक से सुगंधित चीजों को सुनना, और स्पर्श इंद्रियों से कोमल कोमल चीजों को स्पर्श करना, है ना, यही है। पर एक एक इंद्रिय से कैसे कोई फंसता है, इसका उदाहरण भागवत में आता है। कहते हैं कि आंखों के सौंदर्य को देखते देखते, अग्नि के सौंदर्य को देखते, पतंगा बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मौत कहते हैं। वो अग्नि को देखकर, अग्नि के सुंदर रूप को देखकर, पीले रंग को देखकर वो पतंगा सोचता है कि ये इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है। वो छोटा सा जो पतंगा जो है उस रोशनी के उधर जाता है जाता है जाता है जाता है, गर्मी आता है, फिर वो गर्मी को भी देखते, गर्मी के कारण वो पतंगा का जो पंख है वो पिघलने लगता है, फिर भी बोलते हैं इतना सुंदर रूप को इसको आलिंगन करूँगा करूँगा करूँगा। जैसे अग्नि को आलिंगन करता है फट करके फट जाता है वो पतंगा, चला जाता है, वो मर जाता है पतंगा, मर जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वो पतंगा जो है मर जाता है, पर वो जो है खत्म हो जाता है रूप के कारण। और कान के द्वारा वर्णन आता है, शिकार जो है हिरण को पकड़ने के लिए सुंदर मधुर ध्वनि चलाता है, और वो हिरण जो है उस सुंदर ध्वनि को सुनने के लिए मतवाला होकर और आगे जाता है और आगे जाता है, और शिकार जो है उसे पकड़ लेता है। और जीवा का जो है मछुआरा जो है वो मछली को पकड़ने के लिए कांटे में एक छोटा सा कीड़ा रखता है, और कीड़े को पकड़ने के चक्कर में वो मछली कांटे में फंस जाता है। और कमल के खुशबू को लेकर बबरा जो है कमल के अंदर आता है। सूर्य अस्त हो जाता है, कमल ढल जाता है, और भवरा वहीं पे मर जाता है, फंस जाता है, मर जाता है। हथनी को स्पर्श करने के लिए हाथी जो है बेकाबू हो जाता है, मतवाला हो जाता है, और शिकार जो है उस हाथी को अपने बस में कर लेता है। कहते हैं कि मैं इतने दिनों से इतने सालों से इंद्र तृप्ति में अपने आप के को मतवाली बना के रखी, पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी,
पर इस पूरे चक्कर में मैंने असली चीज को खो बेटा, वह है परित्यक्त परमात्मा। मैं वो असली सुख जो है, असली व्यक्ति है, भगवान को त्याग करके इस संसार के झूठे सुख के पीछे भागा, और असली सुख जो कि भगवान देने वाला, उसको मैंने त्याग दिया। मैंने किसको त्याग दिया? असली भगवान को त्याग दिया, कृष्ण को त्याग दिया, विष्णु को त्याग दिया, नारायण को त्याग दिया। और इस प्रकार से मैं जो है पूरा जीवन जो है व्यर्थ गवा दिया। ये शरीर जो है हमें भक्ति करने के लिए मिला है, और ये खास करके मनुष्य शरीर जो है हमें मिला है भगवान आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए, और खास करके संसार के जो सुख प्राप्त करने के लिए जो शरीर है वो है पशु का, पंछी का, कीड़े का, मकोड़े का, रेंटने वाले जो पशु हैं और जलचर को मिला है। खाना पीना सोना ये सुख प्राप्त करने के लिए पशु जीवन है, पंछी के जीवन है, पर मनुष्य जीवन में आहार निद्रा सब कुछ जो है त्याग करके भगवान में मन लगा कर आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। भगवान की कथा सुनने के लिए मिला है, भगवान के कीर्तन सुनने के लिए मिला है, भगवान का नाम जप करने के लिए मिला है, भगवान का आरती करने के लिए मिला है, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, भगवान का प्रसाद पाने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। वो भक्ति मैं नहीं कर पाई मन में। मैं इंद्र तृप्ति के लिए जो है, मैं इंद्र तृप्ति के लिए जो है आपके साथ संग किए, पर जो आध्यात्मिकता जो है, आध्यात्मिकता का जो लाभ है मैं आपसे ले नहीं पाई। और एक सच्चाई जो है वो अब बताने जा रही है। वो कहती है, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने आपके बारे में सुना कि आप बहुत बड़े योगी हो, और मुझे आपसे विवाह करने का इच्छा जागृत हुआ, और मैं आपसे इंद्र तृप्ति पाने के लिए ही ये जो है आपसे विवाह किया। ये मैं स्वीकार करती हूँ। अब एक सच्चाई बोलती है कि मैं इंद्र अर्थेषु सज्जनतया, मैंने आपसे के बारे में खूब सुना था, और मैं आपसे इंद्र तृप्ति के लिए ही विवाह किया, पर मैं जानती हूँ कि आप महान हो, और आपसे विवाह करके मैं इस संसार का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर सकती हूँ। ये मैं जान गई। पर प्रसंगास्त्वयि मे कृतः, और मैं पूरी तरह से आपके जो है शारीरिक संग आपसे, मैं केवल शारीरिक संग का मैंने लाभ लिया। पर मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने आपका जो असली बल है या आपकी असली महिमा है वो जान नहीं पाई। अजन्नंतया परम भावम, आपकी जो महिमा है वो मैं नहीं जान पाई कि आप जो है भगवान के एक महान भक्त हो, भगवान का एक उन्नत कोटि के भक्ति में आप लगे हो, उस असलियत को मैं जान नहीं पाई। तथापि अस्तो भयम मे, आपकी जो असलियत है कि आप इतने विरक्त हो, आपका मन संसार से पूरी तरह से हट गया है, और आपका मन पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है, वो मैं पूरी तरह से उस बात को मैं पकड़ नहीं पाई। मैं आपका संग किए पर भौतिक संग किया, जैसे एक कटमल भी संत का संग करता है, एक मच्छर भी संत का संग करता है, एक चींटी भी संत का संग करता है, पर उसके प्रवचन इत्यादि को सुनता नहीं है, भौतिक संग कर लेता है। फिर भी मैंने आपका संग किया है, आप महात्मा हो, आप महान हो, मैंने आपका सेवा किया, इसलिए मैं अभय यानी कि अभयम आध्यात्मिकता पाने की, अभय को प्राप्त करने का एक पात्र हूँ। आप महान हो, मेरी कमी को आप नज़रअंदाज करते हुए मुझे जो है अभयता प्रदान कर सकते हो, आप मुझे अभय प्रदान कर सकते हो। इतने सुंदर बात कहती है, क्योंकि
क्योंकि आप महान हो, मैं भले बेवकूफ हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, नगण्य हूँ, स्त्री हूँ, एक पगली हूँ, पर आप महान हो, मैंने आपका सेवा किया, इसलिए मेरा सेवा जो है जो निष्फल नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा, आप महान हो। देखिए भगवान महान है और भगवान का जो भक्ति करेगा वो भी महान हो जाएगा। भगवान महान है, अभय प्रदान करते हैं, और भगवान का भजन करते हैं वो भी अभयता को प्राप्त कर लेता है। हमारे संस्था में एक बहुत ही महान वैष्णव है, सुंदर कथा भी करते हैं, सार्वभौम प्रभु, बहुत हंसाते हैं लोगों को, वो विनोद हेतु छोटे मोटे बातें सुनाकर सबका मन को भगवान के भक्ति अनुकूल बातें बताकर प्रफुल्लित रखते हैं। उन्होंने बताया एक बार एक सज्जन भक्त था, विमान में जा रहा था और अचानक खबर आ गया कि विमान जो है पहाड़ को ठोकर मारेगी, फ्यूल नहीं है और पहाड़ को टकरा कर जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, सभी अपने अपने भगवान अपने अपने प्रार्थना आरंभ करो। तो सब लोग परेशान हो गए, बोला कि अभी ये विमान जो है टकराएगी और विमान टकराने से जितने भी लोग हैं ये इस तेज रफ्तार से जा रहे थे कि या तो जमीन को स्पर्श करते ही सब लोग का शरीर जो है तहस नहस हो जाएगा। तो सब लोग परेशान थे, इधर उधर छोटे मोटे प्रार्थना कर रहे थे, पर एक जो भक्त था जपमाला लिया अपने बैग से और जोर से जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इतना जोर से कर रहा था, बाकी सब परेशान हो गए, बोला आप इतने जोर जोर से जप क्यों कर रहे हो? और जप करने के बाद वो मुस्कुराने भी लगा, हंसने लगा, आप जप भी कर रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो और हंस भी रहे हो, और हम लोग परेशान हैं, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं पर रो रहे हैं, आपका प्रार्थना और हमारे प्रार्थना में अंतर क्या है? बोला आपका प्रार्थना और हमारे प्रार्थना में अंतर यही है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, और भगवान का जो नाम लेगा, भगवान का जो नाम लेगा वो भगवान का नाम लेते 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 अगर वो मरेगा, शरीर छोड़ेगा तो भगवान के धाम जाएगा, अगर वो शरीर छोड़ेगा तो भगवान के धाम जाएगा, पर मैं नालायक हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं नालायक हूँ और भगवान भी जानते हैं मैं नालायक हूँ, मैं भगवत धाम जाने के लायक नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, और मैं भगवान का अगर नाम लूँगा तो भगवान जानेंगे ये व्यक्ति का अगर शरीर छूट गया, ये नालायक व्यक्ति को भगवत धाम लेके आना पड़ेगा, इसलिए प्लेन को जो है क्रैश करने से रोकना पड़ेगा, अब अगर मैं जप करूंगा तो ये प्लेन क्रैश नहीं करेगा, अगर मैं जप करूं नहीं करूंगा तो ये प्लेन क्या है क्रैश करेगा। तो वास्तव में जैसे हम भगवान का भक्त बन जाते हैं हमारा सारा टेंशन दूर, और टेंशन किसको हो जाएगा? भगवान को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए क्या कहते हैं? भगवान का दास बिंदास, कृष्ण दास बिंदास, माया दास उदास। वो एकदम कॉन्फिडेंट था, मैं नालायक हूँ, अगर मैं भगवान का नाम लूंगा तो प्लेन क्रैश नहीं होगा, क्योंकि प्लेन क्रैश होगा तो मैं मरूंगा, और मैं मरूंगा तो भगवान को मेरे मुझे धाम लेके जाना पड़ेगा, पर मैं नालायक हूँ धाम जाने के लिए, इसीलिए मैं जब करूंगा तो प्लेन किसी भी हालत में क्रैश नहीं होगा। भगवान इसे क्रैश करने से कॉन्फिडेंस था उनको, तो टेंशन भगवान को। तो जो भी हो भगवान का अगर हम भक्ति करने लग जाते हैं हम अभयता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कहते हैं कि मैं आपका सेवा किया, आप महान हो, अभी मुझे अभय प्रदान करने का जो है कर्तव्य आपका है, आपके अंदर मेरे अंदर आपका गुण आना चाहिए, ना कि आपके अंदर मेरे। जैसे गंगा जो है गंगोत्री से होते 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 गंगा सागर तक जाती है, और जहाँ जहाँ गंगा जाती है सब लोग गंगा का जल स्पर्श लेकर
गंगा माँ की जय करके सब लोग। गंगा में अपवित्र कितने सारे चीज आते हैं, कानपुर इत्यादि में, मुरादाबाद कानपुर ये एरिया में जब से जब गंगा जाती है तो गंगा में अपवित्र चीज आती है। पर अपवित्र चीज जानने से गंगा अपवित्र नहीं होता, अपितु अपवित्र चीज गंगा में जाने के बाद भी गंगा का जो है महिमा कम नहीं होता है। उसे को जो भी स्पर्श करते हैं उसे क्या करते हैं, बड़े पवित्र भाव से लेते हैं। वो नहीं कहते कि इसमें कानपुर का या इधर का मलमूत्र जो है इसमें गंगा में आया है। जैसे एक वर्णन आता है कर्मनाशा नाम के एक क्षेत्र में से बहुत अपवित्र जल आता है, वो गंगा में मिल जाता है। कर्मनाश नाम के एक क्षेत्र में त्रिशंकु नाम का जो एक व्यक्ति है उनका लावा जो है उसमें मिल जाता है, वो अपवित्र चीज होता है। पर गंगा में वो मिलने के बाद भी गंगा सागर के नज़दीक भी गंगा जाता है तो लोग इसे बड़े प्यार से उसे स्वीकार करते हैं, बोलते हैं ये नहीं कहते कि वह अपवित्र हुआ है। गंगा का महिमा कम नहीं होता। इसी प्रकार से वह अपवित्र चीज पवित्र हो जाता है और गंगा जो है महान का महान रहता है। इसी प्रकार से मैं भले कुछ भी क्यों ना हो पर आप जो है महान हो। तो इस प्रकार से महान व्यक्तियों के साथ संग करने से हम भी महान तो नहीं कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति अत्तर जानते हैं, अत्तर खुशबू, अत्तर की दुकान में कोई जाता है, अत्तर की मार्केट में जाता है, ये अत्तर वो अत्तर, भले वो अत्तर को स्पर्श ना करे या अत्तर खरीदे नहीं, अत्तर को स्पर्श भी ना करे, अत्तर ना भी लगाए, वो वहीं पे घूम घूम के थोड़े देर के लिए आधा घंटे करके घूम कर बाहर आता है तो उनके कपड़े से भी अत्तर का खुशबू आने लग जाता है। इसी प्रकार से महान लोगों के बीच में रहते 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 हमारे अंदर महानता नहीं आएगा, थोड़ा बहुत तो हम उन्नत हो जाएंगे, है ना। इसीलिए अपने जीवन में हमको महान लोगों के इर्द गिर्द रहना चाहिए, साधुओं के इर्द गिर्द रहना चाहिए, संतों के इर्द गिर्द रहना, ताकि हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत वो आध्यात्मिक गुण जो है उसका जो है प्रभाव हमारे अंदर आ जाएगा। हमें कुछ करना नहीं, केवल उनके संग में रखना है, बाकी अपने आप जो है हम हमारा चेतना जो उन्नत होते जाएगा। जैसे बॉम्बे का ट्रेन में चढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल गर्दी के बीच में रहो, गर्दी जो है हमें आगे आगे धक्का देगा। इसी प्रकार संत महात्मा के बीच में रहो, कुछ करना नहीं, बस बीच में रहने का प्रयास करो, अपने आप हमारा चेतना जो ऊपर 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 के रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो है संघ का वर्णन करते हुए अब एक सिद्धांत की बात कौन कहती है, देवती माता की। संगो यह संस्तर हेतु असत्सु विहितो अदैया। जिस प्रकार से नीच लोगों का संग अगर कोई करता है वो व्यक्ति भी नीच हो जाता है, भले वो अच्छे घर का सज्जन पुरुष है व्यक्ति है, पर चोरों के बीच में अगर रहता वो भी चोर बन जाएगा या चोर जैसा लक्षण आ जाएगा, या कोई लंपट के साथ रहेगा तो उसके अंदर भी लंपट जैसा, या गैम्बलर के साथ रहेगा तो वो भी गैम्बलर बन जाएगा। संघ का बड़ा प्रभाव रहता है जैसे वर्णन आता है। अगर इसी प्रकार से स एव साधुषु कृतो न संगत एव कल्पते, इसी प्रकार साधु के संग में अगर रहेगा वो भी महान साधु बन जाएगा। जिस प्रकार से एक नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, कहते हैं कि एक कीड़ा जो है केवल फूल के संग में रहते 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 थे क्या हो जाता है, वो भगवान के कंधे में या शरीर तक पहुंच जाता है, वो फूल को माली चुनता है और फूल वालों को देता है, फूल वाला उसे बेचता है और मंदिर में कोई माता जी माला बनाती है और माला बनाकर पुजारी को देते, पुजारी माला भगवान को चढ़ाते हैं। वो कीड़ा ने कुछ नहीं किया, वो केवल फूल के साथ संग किया तो आज वो भगवान के कंधे तक पहुंचता है और भगवान के कंधे में भी घूमने लगते हैं, उनके सर में भी घूमने लगते हैं।
वो कीड़ा ने मेहनत नहीं किया, मैं भगवान के मैं प्लान करूंगा, मेरा जीवन का मिशन है, विशन है, फिर क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब स्वॉट एनालिसिस वगैरह करते हैं, वो खाली करते हैं कि मैं फूल के साथ, वो भी फूल के साथ उसका नेक्टर खाने के लिए रहता है, उसका अमृत पीने के लिए बैठा रहता है, पर इसी के साथ साथ पहुंच जाता है। इसी प्रकार से साधु के संग करते 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 हम भी कुछ नहीं तो महान हो ही जाएंगे। तो इस प्रकार से संघ का एक वर्णन आता है, जैसे विवेकानंद जी जो है बहुत सुंदर बात कहते हैं, बारिश का पानी का बूंद जब हाथ में आता है तो पवित्र होता है पीने लायक। बारिश का पानी का बूंद जब हाथ में आता है तो पीने लायक होता है, वही बारिश का पानी अगर गटर में गिरता है तो अपवित्र हो जाता है, वो छूने लायक भी नहीं होता है, पीने लायक तो दूर। और वही पानी जो है अगर एक कमल के ऊपर गिरता है तो वो मोती जैसे चमकने लग जाता है, और वही पानी का बूंद एक ऑयस्टर होता है उस पर जाता है तो वो समय आने पर मोती बन जाता है, और वही पानी अगर एक तपता हुआ तवा पर गिरता है तो वो वाप बनकर कहीं का नहीं होता है। इसी प्रकार से हम वही हैं आत्मा, पर अच्छे संग में जाएंगे तो हमें अच्छी बात सीख पाते हैं और अच्छे लोग हमें स्वीकार कर ले, पर हम गंदे लोग के साथ आएंगे अपवित्र हो जाएंगे, कोई हमें नज़दीक में आने नहीं देंगे। और अगर हम संत महात्माओं के बीच में रहेंगे हम मणि की तरह चमकने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से संघ का वर्णन करते हैं और आखिर में वह कहते हैं कि वास्तव में मैंने आपका संग किया और आपका सेवा किया, पर उस सेवा का मैंने असली लाभ नहीं लिया, मैंने असली लाभ नहीं लिया। सेवा का असली लाभ क्या है उसका वर्णन करते हैं, सेवा का असली लाभ क्या है। नेहायत कर्म धर्मया, जब हम कर्म करते हैं वो कर्म धर्म की ओर हमें लेके जाना चाहिए, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें धर्म की ओर के लेके जाना चाहिए। नेहायत कर्म धर्मया, कर्म जो है धर्म की ओर हमें लेके जाना चाहिए, हम जो कुछ भी करते हैं धीरे धीरे वो धर्म की ओर। धर्म क्या होता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुलसी पूजा करना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, वर्णाश्रम का धर्म है, ये धर्म है, वो सब धर्म को पालन करने में हमें आगे आगे हमें लेके जाना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं जीवन में उस कर्म से धर्म की ओर हमें लेके, वो कर्म हमें धर्म की ओर लेकर जाना चाहिए। अगर हम कर्म कर रहे हैं और रात को लेट सो रहे हैं और मांसाहार कर रहे हैं और अवैध संग कर रहे हैं तो वो उस प्रकार का कर्म हमें धर्म की ओर नहीं लेके जा रहा, वो खतरा है। कर्म क्या है, धर्म की ओर लेकर जाना चाहिए। और धर्म कैसा होना चाहिए, वैराग्य की ओर लेकर जाना चाहिए। वैराग्य का अर्थ होता है पाप से हमें दूर लेके जाना चाहिए, और वैराग्य से हमें कर्म हमें कहते ना या नेहा यत कर्म धर्म या ना वैराग्य कल्पते ना तीर्थ पाद सेवा या जीवन अपि मूर्त ही सहा। कहते हैं कि कर्म जो है धर्म के और लेके जाना है, धर्म जो है वैराग्य के और लेकर जाना है, और वैराग्य जो है हमें किसके और लेकर जाना है, तीर्थ पाद सेवा भगवान की सेवा के और लेकर जाना चाहिए, भगवान की सेवा कर। तो हम जीवन में जो भी करते हैं वो हमें धर्म की ओर, धर्म हमारे वैराग्य की ओर, वैराग्य से हमें काम पे लेकर जाना, भगवान की सेवा की ओर लेकर जाना चाहिए। हमें शारीरिक अवस्था से आध्यात्मिक अवस्था तक लेकर जाना चाहिए, माया की सेवा से भगवान की सेवा तक लेकर जाना, इस प्रकार से हमारा जीवन चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है,
हाँ, अगर हम केवल शरीर के सेवा में लगे, आत्मा के सेवा तक नहीं पहुँचे, परमात्मा के सेवा तक नहीं पहुँच रहे, तो हम माया के गोद में सोए हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद को बोलते हैं। अगर कोई कर्म कर रहा है और वो कर्म धर्म के और नहीं लेके आ रहा है, धर्म वैराग्य के और नहीं लेके आ रहा है, वैराग्य जो है भगवान की सेवा के नहीं लेके आ रहा है, तो उस प्रकार का जो सेवा है वो उस प्रकार का जो व्यक्ति है वो जीते हुए भी मुर्दा है। जीवन अपि मृत्यो ही सहा, वो क्या है? जीता जागता मुर्दा है, है ना। जो लोग कर्म कर रहे हैं और वो कर्म करके उनका उनका मन भगवान के सेवा में नहीं लग रहा है, तो वो लोग जीते हुए क्या है? मुर्दा है। ट्रेन में चर्चगेट, हाँ विरार, मुर्दा जा रहे हैं, खाली सांस ले रहे पर है मुर्दा। जीवन अपि सो मृत्यु ही सहा, मरा हुआ लोग प्लेन में जा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में मरा हुआ व्यक्ति मुर्दा जो है पढ़ा रहा है और मुर्दे लोग सुन रहे हैं। कॉलेज में मुर्दा पढ़ा रहा है और मुर्दे लोग सुन रहे हैं। ट्यूशन क्लास में मुर्दा लोग, होटल में, रेस्टोरेंट में मुर्दा पका रहा है, मुर्दा खिला रहा है और बहुत सारे मुर्दे लोग खा के जा रहे हैं। सच में इस प्रकार से मुर्दा लोग, मरा हुआ मुर्दा से खतरनाक है जिंदा मुर्दा, वो गंदे चीज़ को सोच रहे हैं, गंदे चीज़ कर रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं मुर्दा, ट्रेन में घूम रहे हैं मुर्दा, ऐसा भयंकर मुर्दा। वास्तव में मुर्दा अगर चलने लगे तो सब लोग डर जाना चाहिए। ये सच्चा घटना है 1930 का, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, एक आसाम में शिष्य हुआ 1933 में, दीक्षा हो गया, चार नियम पालन, 16 माला या 64 माला का नियम पालन कर रहा था। 1937 जनवरी 1 तारीख को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरबा हुआ, श्री रूप मंजरी, ये सुंदर भजन सुन रहे थे, श्री रूप मंजरी, तो इस प्रकार से सुनते सुनते उनका तिरुभा हुआ। किसका? श्रील भक्ति सिद्धांत। उसके बाद ये भक्त जो है थोड़ा विचलित हो गया, पाप कार्य में लग गया, मांसाहार करने लगा, अवैध संग करने लगा, चोरी जुआ खेलने लगा, नशा करने लगा। ऐसे करते करते और 4-5 साल में मृत्यु हो गया उनका, और उनके परिवार वाले उनके शरीर को, शव को शमशान घाट लेकर गए, शमशान घाट लेकर गए, और 6 घंटे के तक वो शमशान घाट में पड़ा था। सारा पुजारी ने पूजा एक किया और आग जैसे लगाया, वो मुर्दा भाग गया, वो जिंदा हो गया मुर्दा, और वो भागा और इसको देख के हल्ला हो गया, अरे भूत 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 भूत, सब लोग भाग गया। यानी कि मुर्दा अगर जिंदा हो जाएगा तो कितना भयंकर होगा, पर हम लोग देख रहे हैं मुर्दा लोग यहाँ वहाँ घूम रहे, पर तो कितना भयंकर ये परिस्थिति है। वो मुर्दा जैसे भागा घर के और भागा और घर वालों से कहा, अब मैं घर में नहीं रहूँगा, मुझे दूसरा जीवन मिला, मैं जाता हूँ। वो गया उनके गुरु भाई जो कि सन्यासी थे, मठ चला रहे थे, बोला मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। वो महाराज ने बोला, मुझे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सब कुछ बताया, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तो दीक्षा दिया। तो क्या हुआ कि जब उनका मृत्यु हुआ, दो यमराज जो है, यमदूत जो है, उन्हें खींच कर लेकर गया, इतना खींच के लेके गया, उसको प्यास लगा रास्ते में, तो बोला पानी दो, तो बोला यहाँ पे कुंड है पड़ पियो। तो पानी के कुंड में जैसे ही गया तो देखा उसमें मल था और नाखून था और पस, हाँ खून था। बोला पियो पियो, उल्टी किया, बोला ये कैसे मैं पीऊँगा, मुझे पानी चाहिए। बोला पानी चाहिए, हाँ। उसको बहुत मारा। जब पृथ्वी लोक में आपको पानी मिल रहा था, खाना मिल रहा था, तब भगवान का भजन नहीं किया, हाँ, अब पानी मांग रहे हैं, आपके कर्म के अनुसार यही आपको फल मिलेगा। तो बोला और उल्टी करके वहाँ से निकला, जैसे तैसे भी उसको खींच खींच के कहाँ तक लेकर गया, यमराज के पास।
बहुत बड़ा लाइन था। यमराज एक एक को देख रहा था, हिसाब लगा रहा था, चित्रगुप्त इनका फाइल निकालो, इसको नर्क में डालो, इसको उस नर्क में डालो, इसको इस नर्क में डालो, उसको इस नर्क पे, उसका उस नर्क पे। इनका जब बारी आया, पूछा जीवन में कोई अच्छा काम किया आपने, जीवन में आपने कोई अच्छा काम किया, तो बोला हाँ मैं जीवन में एक ही अच्छा काम किया, और ये अच्छा काम क्या है, बोला मैंने श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया। जैसे बोला श्रील प्रभुपाद, तो यमराज जो है, जो कि महाजन है, वो आंख बंद कर लिया, श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बोले। और जैसे श्रील प्रभुपाद बोले, श्रील भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर वहां पे प्रकट हो गए उस सभा में। और जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर, यमराज ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने अपने शिष्य को डांटा, नालायक कहीं के, दीक्षा लेने के बाद, शपथ लेने के बाद, संकल्प लेने के बाद फिर से गंदा काम किया, टिक्का रहे तुम्हारा, बहुत डांटा। वो शिष्य कांपने लगा, प्रभुपाद आप आगे, प्रभुपाद आगे। वो एक तो भयभीत था और आश्चर्यचकित था, रो रहा था, बोला कि अभी से आप ये सब गंदे काम, शपथ लो आप नहीं करोगे, और मेरा जो शिष्य है, सन्यास शिष्य जो मठ चला रहा है, उनसे फिर से दीक्षा लो, रीइनिशिएशन लो। बोला मैं लूँगा, मैं लूँगा। और यमराज जी से कहा, आप इसे थोड़ा सा बख्श लो, आप इसे बख्श दो। और यमराज जी ने कहा, जरूर, आप जैसे वैष्णव का सेवा करने में मुझे मौका मिल रहा है। जब उन्होंने देखा उनका प्रभाव, तो जैसे वो, जैसे ये देखा, प्रभुपाद प्रभुपाद चिल्लाया, तो सबको यहाँ पे लगा भूत आ गया, भूत आ गया, और ये भागा और सीधा घर गया और बोला कि मैं मठ में जा रहा, मठ में जाके एक अच्छा भक्त बना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। जीवन में एक अच्छा काम किया, भक्तों का संग किया, बस ये सच्चा घटना है 1930 का, इसी कलिकाल का ये घटना है। और वो अच्छा भक्त बनकर अपने जीवन को सफल किया। तो इस प्रकार से कुं देवती माता कहती है कि मैं जीवन में एक ही अच्छा काम किया, वो काम यह है कि मैंने आपका संग किया, आपका संग किया, मैंने आपका संग किया। पर आपका संग करते हुए भी दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, अगर उसका गिनती अगर लिया जाएगा, तो मैं कहूँगी कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि आखिर का एक सुंदर बात करें, साहम भगवतो, साहम भगवतो, नूनाम वंचित मायाया दृढ़म। कहते हैं कि मूर्खों का अगर लिस्ट निकाला जाएगा, तो उस लिस्ट में मेरा नंबर 1 होगा। क्योंकि क्योंकि वंचितो मायाया, मैं माया द्वारा वंचित हो गई। आप जैसे महान साधु का मुझे संग मिला, और साधु का संग लेते हुए मैं आपका जो, आपके द्वारा जो आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक शिक्षा जो मैंने आपसे नहीं लिया, बाकी अभक्त जो है वो भी मूर्ख है, पर उनको तो साधु का संग नहीं मिला, इसलिए वो अभक्त के अभक्त रहे। पर मैं इतना महान भक्त का संग करके भी मैं अभक्त ही रहा, इसलिए मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। नूनम साहम भगवतो नूनम, मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, माया के द्वारा मैं वंचित हो चुकी हूँ। माया देवी किसी पे कृपा करती है, किसी को अमीर बना देती है, ये भगवत प्रसाद नहीं है। ये किस, कौन सा प्रसाद है? माया प्रसाद। किसी को बहुत सुंदर बना देती है, ये भगवत प्रसाद नहीं है, क्या है? माया प्रसाद है। मैं सुंदर भी हूँ, धनवान भी हूँ, बहुत फेमस भी हूँ, माया देवी ने मुझ पर बहुत कृपा किया। वंचितो मायाया दृढ़म, माया देवी ने मुझ पर बहुत कृपा कर दिया, मुझे अच्छा शरीर दिया, अच्छा धन दिया, अच्छा यश दिया, अच्छा स्वस्थ दिया, पर मुझे भगवान के भक्ति से वंचित कर दिया। वंचितो मायाया दृढ़म। इसीलिए ये धनवान लोग या बलवान लोग या रूपवान लोग या ज्ञानवान लोग, हमको लगता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, पर इनको क्या मिला है? माया का प्रसाद मिला, पर माया के द्वारा वो वंचित हो गए भगवान के भक्ति से। यत्त्वं व्यक्तं विमुक्ति प्राप्य, आप जो है मुक्ति देने में सक्षम हो, पर आपसे मैंने
मुक्ति मांगा ने। मुक्ति का अर्थ होता है जन्म मृत्यु जरा वैदिक चक्कर से बचना। विमुक्ति का अर्थ होता है जन्म मृत्यु जरा वैदिक का चक्कर से बचकर भगवान से संबंध जोड़ना, इसको बोलते हैं विमुक्ति। यत्त्वम, आप विमुक्ति देने में सक्षम है पर मैं आपसे विमुक्ति नहीं मांगा। ना मुमुक्षे बंधना, मैंने आपसे आध्यात्मिक सुख नहीं मांगा, मैंने केवल आपसे भौतिक सुख ही मांगा, इसलिए आप जो है मुझ पर कृपा करो क्योंकि आप महान हो, आप महान हो, मैं मूर्ख हूँ, आप महान हो, मैं एक मूर्ख हूँ, पर आप जो है इस मूर्ख पे थोड़ा सा दया करो और आप जो है मुझ पर कृपा करो और मुझे भी अभय प्रदान करो, शिक्षा दो और मुझे भक्ति प्रदान करो। इस प्रकार से देवती माता जो है महान कर्दमुनि से प्रार्थना किए रो रो कर, इसी प्रकार से हमारे लिए भी संग महान वैष्णव का है और वो महान वैष्णव कौन है, श्रील प्रभुपाद जी, उनका संग है। पर उनके संग में रहते हुए भी हमारा मन संसार में जा रहा है, संसार में जा, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। मूर्खों का लिस्ट अगर लिया जाएगा तो हमारा नंबर वन होगा। इसलिए जिस प्रकार से देवती माता रो रही है किसके पास, कर्दमुनि के पास, उसी प्रकार से हमें रोना चाहिए प्रभुपाद जी के पास और प्रभुपाद जी से कहना चाहिए कि हमारे पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हमें भगवान का प्रसाद दो, हमें भगवान का भक्ति दो और भगवान का हमें सेवा दो, सेवा दो। यही निवेदन करो, सकीर अनुगत करो, हमें भगवान का भक्ति दो। और इस प्रकार से हमें प्रभुपाद जी के पास गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, यश प्रसादात। तो प्रभुपाद जी को कैसे हम प्रसन्न करेंगे, तो तीन सरल बात है, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना है और दूसरा प्रभुपाद जी का ग्रंथ वितरण करना है। और खास करके ग्रंथ वितरण करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण में श्रीमद् भागवतम जो सेट है, भगवद्धाम जाने के लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ वितरण करना होगा। और खास करके भाद्र मास के पूर्णिमा में अगर हम ग्रंथ वितरण करेंगे, भाद्र मास के पूर्णिमा में ग्रंथ वितरण करेंगे तो कहते हैं कि हमें भगवद्धाम जाने का पूरा टिकट मिल जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम सेट 4,000-5,000 में मिलता है, अगर हम वो लेंगे और उसको एक अच्छा पात्र को देंगे और उनको देंगे तो हमारा वैकुंठ नहीं गोलोक वृंदावन का टिकट बुक हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना है और भागवतम सेट का बुकिंग अभी से चालू कर देना चाहिए। भागवतम सेट का बुकिंग कर लो और भगवद्धाम जाने का टिकट पा लो और अपने जीवन को सफल हो जाए करो। इस प्रकार से प्रभुपाद जी के सामने रोना चाहिए कि मुझे भागवतम सेट खरीदने का मुझे बल दीजिए, भागवत पढ़ने का बल दीजिए और भागवत वितरण करने का बल दीजिए, ताकि हम आपको प्रसन्न कर पाएँ और आपको अगर प्रसन्न कर पाएँ तो भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और भागवत सेट अगर हम इस प्रकार से भाद्र पूर्णिमा में वितरण कर पाएँ तो भगवत धाम निश्चित हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी के सामने हमें रोना चाहिए, रोना चाहिए, रोना चाहिए, ताकि देहूती माता जिस प्रकार से रोई तो कर्दमुनि की कृपा से उनको कपिल मुनि अपने भगवान उनके गर्भ में आए। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के सामने हमें रोना चाहिए ताकि भगवान हमारे गर्भ तो नहीं हमारे हृदय के अंतकरण में आ जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और अभिलाषा यह रखते हैं कि भगवान हाँ प्रभुपाद जी हमारे पर कृपा करेंगे और उनका सेवा करते करते भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी हर प्रवचन के बाद हर सत्र के बाद कीर्तन करते हैं, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए हम भी सुंदर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, है ना। सभी से निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा कीर्तन में भाग लेंगे, ठीक है, क्योंकि तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगत मंगल अम्बसा महातिम अपि गौरव्य विधि एकांतिका निष्कृतम, है ना। पूरा जगत का मंगल हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, सबका हित हो जाता है, सबका भला हो जाता है। और कहते हैं ना कर बला तो हो बला, त
तो इसलिए निसंकोच होकर खुले हृदय से इसमें भाग लीजिए। आप बोले यार सबका भला करना है, परोपकार के इतना बड़ा कार्य करना है तो कितना करोड़, कितना लाख, कितना हजार देना पड़ेगा, एक पैसा नहीं, आपको के लिए हरे कृष्णा बोलना है, तो तैयार हो? हाँ। तैयार हो? हाँ। मैं बोलूंगा हरी बोल, आप बोलेंगे हरी बोल, मैं बोलूंगा हरी बोल, आप बोलेंगे हरी बोल, रातों से तालियों का सेवा करेंगे, मैं बोलूंगा हरी बोल, आप बोलेंगे हरी बोल, रातों से तालियों का सेवा करेंगे, और हमारे मुख से जो तरंग निकलेंगे, हाथों से जो तरंग निकलेंगे, वो जो है भूमंडल में जितने भी जीव है उनका उद्धार करेगा। सब तैयार है? हरि बोल, 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 हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे